अयो ये डॉक्टर कुरन ने इतने सुबह सुबह खाई को बुलाया जी। मुझे लगता है जरूर कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम होगा। इम्पोर्टेंट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सुबह उठने के बाद से कुछ भी नहीं खाया, बड़ी भूख लगी है, कुछ खा लेता हूँ। मेयर अंकल, मेयर अंकल उठिए। हाथी, हाथी, मम्मी हाथी कहाँ गया? अयो, ओ, यानी मैं सपना देख रहा था। पता है टिम्पो ना, मैंने अभी अभी सपने में दो दो हाथियों को अपने कंधे पे बिठा के नदी पार कराई है। अब भी समझा कि मेयर को फेकम फेकी का वो सॉलिड आइडियाज कहाँ से आते ही? सब सपने में दिखते ही और फिर ये लंबे लंबे चौड़ते ही। वैसे एक बार सपने में नहीं बल्कि असलियत में मैंने डायनासोर के पूरे झुंड को गोदी में उठा के एक बड़ा सा पहाड़ क्रॉस करवाया था। सच में मेयर अंकल? बा, 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 और नहीं तो क्या, अगर मैं झूठ बोलूं तो चूहा मेरे बाल कुतर जाए। मतलब पक्का झूठ बोला था। गेम ऑन। अब कीको के साथ गेम ऑन करें और एक्साइटिंग पावर मोड गेन करें। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया सेम, तो डाउनलोड करें गेम गूगल प्ले पर उपलब्ध। क्या बात है खुराना अंकल, आपने इतनी सुबह सुबह हम सबको क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? Yes, Kiko, all is well. मैंने तुम लोगों को इसके लिए बुलाया है। अयो, तुम सुबह सुबह हम सबको अंडा खिलाने को बुलाया? अरे वाह, गोल्डन एग्स! मैंने आज तक कभी गोल्डन एग्स नहीं खाए। अंडे बॉइल तो है ना खुराना अंकल? अरे नहीं डोडो। कोई बात नहीं अंकल, मैं घर जाके बॉइल करके खा लूंगा। डोडो, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो, ये खाने वाले अंडे नहीं हैं। तो फिर? ये गोल्डन एग्स मेरे नए इन्वेंशन हैं। इन एग्स को जब मैं अपनी बनाई हुई मेडिकल मशीन के अंदर रखूंगा तो इनसे निकली रेस से मैं बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर पाऊंगा। और ये अंडे अगर गलती से जमीन पे फूट गए तो? तो इनकी डेंजरस रेडिएशन से पूरी की पूरी सिटी तबाह हो सकती है। पूरी मोरी मदर, ये तो सच में बहुत ही खतरनाक अंडे हैं। कहीं मैंने गलती से खा लिया होता तो मेरे पेट में रेडिएशन फैल जाता। मुझे तो डर लग रहा है, कुछ खा लेता हूँ। इन पावरफुल एग्स पे आगे की रिसर्च करने के लिए मुझे इन्हें सन सिटी के बाहर अपनी दूसरी लेबोरेटरी में लेके जाना है। इसीलिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया था, ताकि आप सब मुझे मेरे इन एग्स के साथ मेरे लेबोरेटरी तक सेफली पहुंचा सकें। ईश, मेरे रहते बाकी लोगों की क्या जरूरत? मैं अगर आपके साथ रहूंगा तो कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। हा हा हा। देखा, मैंने पहले ही कहा था कि मेयर जब भी मुंह खोलता तो जरूर कुछ ना कुछ फेंकता। चिड़िया पर मारे ना मारे, पर रिंग वुमन हाथ पर दोनों मारेगी। रिंग लेडी के रिंग घुमाए जिंग जैंग जिंग। गुड मॉर्निंग, आप तो हुला हुपिंग काफी अच्छी तरीके से कर लेती हैं, मगर आप सन सिटी में क्या करने आई हैं? गोल्डन एग्स चुराने। तुम लोग अगर अपनी भलाई चाहते हो तो वो गोल्डन एग्स चुपचाप मेरे हवाले कर दो। आंटी, आप जो कह रही हैं उसे दो वर्ड्स में कहते हैं वेरी रॉन्ग। यस, एंड वी ऑलवेज फाइट फॉर द राइट। अच्छा, फाइट फॉर द राइट, तो ठीक है, करो फाइट। उरी मोरी मदर, ये रिंग तो बिल्डिंग को काट के निकल गई। दो वर्ड्स में ये रिंग्स हैं वेरी डेडली। इससे तो बच गए, पर क्या आप इनसे बच सकते हो?
रिंग लेडी के रिंग घुमाए रिंग बैंग रिंग। इन रिंग से बचने के लिए मुझे सुपर स्पीडो को बुलाना ही पड़ेगा। रफ्तार पे रफ्तार R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। किसकी छुट्टी रॉन्ग से है कट्टी राइट से है बत्ती हाउ कैन आई हेल्प यू बताओ जल्दी जल्दी क्या वेलकम है, इसे कहते हैं स्वैग से स्वागत। थैंक यू सुपर स्पीडो, तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं ना? लगी तो है मगर मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। क्यों आ गई ना पक्का ठिकाने बच्चे, अब अगर और हालत खराब करवाना नहीं चाहते हो तो रिंग लेडी के रास्ते में आने की गलती गलती से भी मत करना। रिंग लेडी के रिंग घुमाए जिंग जैंग जिंग। हुला हुपिंग की ये रिंग्स कोई नॉर्मल रिंग्स नहीं है बल्कि बहुत ही स्पेशल टाइप की स्ट्रॉन्ग रिंग्स हैं। अरे ये तो वो गोल्डन एग्स छीनने जा रही है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। सुपर स्पीडो तुम अपने आप को रिपेयर करो, तब तक मैं उन गोल्डन एग्स को रिंग लेडी से बचाता हूँ। ओके किको, पर जरा संभल के। आयो, अब देखो कैसा हम तुम्हारा रिंग का ठुकड़ा ठुकड़ा करता जी। तुम मेरे रिंग्स को चाहते थे तोड़ना, अब देखो वो तुमसे कैसे करवाते हैं तक तक धिन्ना। अयो ऐसा गोल गोल घूम के हमको चक्कर आता जी। डॉक्टर खुराना इन्वेंशन की दुनिया में सबसे पुराना, लाओ अब मेरे हवाले करो ये गोल्डन एग्स का खजाना। रिंग लेडी के रिंग घुमाए रिंग जैंग जिंग। लगता है ये बच्चा ऐसे नहीं मानेगा, मेरे रिंग से चोट खाकर ही मेरी ताकत जाने का। रिंग लेडी के रिंग घुमाए जिंग जैंग जिंग। थैंक यू सो मच सुपर स्पीडो। मेंशन नॉट, तुम्हारे लिए कुछ भी। उछल कूद करके मेरे रिंग से बच रहे हैं, अब देखती हूँ कहाँ भागने हैं। ओह नो, इसने तो बिल्डिंग ही तोड़ दी। हाँ? ये तो अच्छा हुआ कि इस पुरानी बिल्डिंग में अब कोई नहीं रहता, वरना लोगों को चोट लग सकती थी। बात तो सही है ब्रो, पर अब क्या करें, हम तो फंस चुके हैं। रिंग लेडी के रिंग घुमा। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 27। ओके किको, फॉर्मूला 27 एक्टिवेट करके इन रिंग्स के अभी चक्के छुड़ा देता हूँ। सुपर स्पीडो, तुम्हारी मिसाइल से रिंग्स का तो पता नहीं पर सन सिटी का जरूर नुकसान होगा। पर किको, ये रिंग्स इतने पतले हैं कि ठीक उन पे निशाना लगाना मुश्किल है, कोई और फॉर्मूला लगाना होगा।
कीको, रिंग्स की अटैक की वजह से मेरा पूरा सिस्टम हैंग हो चुका है। अब मैं बिना रिपेयर हुए यहाँ से हिल भी नहीं सकता। तुम एक काम करो ब्रो, इन गोल्डन एग्स को लेकर आगे चले जाओ। मैं खुद को रिपेयर करने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। घबराओ मत कीको, अब तुम्हें मैं नहीं रोकूंगी, बल्कि तुम्हारे फ्रेंड्स ही तुम्हें रोकेंगे। तुम्हारे फ्रेंड्स अब इन रिंग्स के कंट्रोल में हैं, और ये रिंग्स मेरे कंट्रोल में। रिंग लेडी के रिंग घुमाए जिंग जैंग जिंग। सॉरी कीको, ये सब हम जानबूझकर नहीं कर रहे। मेरी भूख की तरह अब मेरे मूवमेंट्स भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। गोल्डन एग्स, वाओ, काश मैं इनका ऑमलेट बना के खा सकता। टोनी बॉस, आप अपने मुक्के से इन सब के आसपास घूम रही रिंग्स को तोड़ दो और फिर आंटी को सबक सिखाओ। हो सकता है कीको आपसे खुश होके वो गोल्डन एग्स आपको दे ही दे। हाँ बॉस, सोचो ना उन गोल्डन एग्स की भुर्जी खाने में कितना मजा आएगा। भुर्जी नहीं, ऑमलेट, मुझे ऑमलेट पसंद है। भुर्जी तो अब आपकी बनेगी। क्यू रोल नंबर 4, करेक्ट रोल नंबर 20। आंटी, मैं आपको वार्निंग देता हूँ, आप मेरे दोस्तों को छोड़ दीजिए। अच्छा, मुक्का दिखा के बन गए हीरो, पर टोनी बॉस बन गए गोल गोल जीरो। पहले इन एक्स को सेफली छुपा देता हूँ, फिर अपने फ्रेंड्स को बचाऊंगा। मौके का फायदा उठाकर भाग रहा है। कीको, बहुत घुमा लिया मुझे, अब घूमने की बारी तुम्हारी है। जल्दी से यहाँ आओ और फॉर्मूला नंबर 347 लगाओ। सुपर स्पीडो, सुपर स्पीडो, तुम सुन रहे हो ना बड़ी? सॉरी कीको, रिपेयरिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। अब जाके सर चकराना बंद हुआ है, इसी बात पे कुछ खा लेता हूँ। गोल गोल घूमते हुए पहिए ने सीधे साधे लोगों को झोल के घोल में धो दिया। मतलब सर पहले में पूछ रहे हैं कि रिंग लेडी कहाँ भागी है।
पोन्ना, रिंग लेडी कहाँ गई? आपको पता है? अयो, हमको नहीं मालूम कि वो रिंग लेडी किधर गई जी। हम तो बस ऐसे ही स्ट्रेचिंग कर रहा था जी, और झटपट को लगा कि हम उसको डायरेक्शन दिखा रहे जी। पर हमें किसी भी हालत में रिंग लेडी को पकड़ना ही होगा, वरना उन गोल्डन एग्स की मदद से वो तबाही मचा सकती है। सही कहा कीको, पर पता कैसे चलेगा कि रिंग लेडी भागी कहाँ है? क्या हुआ ट्विंकल, अब भी सर घूम रहा है क्या? नहीं कीको, वो रिंग लेडी ने इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाया था कि अभी तक स्मेल आ रही है, और इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल से मुझे एलर्जी है। अरे वाह, रिंग लेडी तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। सुपर स्पीडो, लगा फॉर्मूला नंबर 1, 2, 3। क्या आइडिया है कीको, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 1, 2, 3। अपने इस सेंसर की हेल्प से मैं रिंग लेडी को ट्रैक कर सकता हूँ। अब उसके परफ्यूम के स्मेल का पीछा करते करते हम उस तक पहुँच सकते हैं। चलो कीको। कीको, मेरा सेंसर उस पहाड़ी रास्ते की ओर इशारा कर रहा है, इसका मतलब रिंग लेडी वहीं से भाग रही होगी। ओके सुपर स्पीडो, टर्बो स्पीड लगा के उसका पीछा करो। रिंग लेडी को पकड़ने के लिए हमें फॉर्मूला नंबर 100 लगाना होगा। ओके ब्रो, इनिशिएटिंग फॉर्मूला 100। रिंग लेडी, अब तुम भाग नहीं सकती। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उन गोल्डन एग्स को सही सलामत मेरे हवाले कर दो। कीको, तुम्हारा ये जाल मेरे लिए रुमाल जैसा है, जिसे मैं जब चाहे आराम से हवा में उड़ा सकती हूँ। ये देखो। उफ्स, ये तो मेरी ही चाल मुझ पे उल्टी पड़ गई। रिंग लेडी के रिंग घुमाए, जिंग जैंग जिंग। तुम दोनों ने बड़ी देर से मेरी नाक में दम कर रखा है, इसलिए अब तुम्हारे साथ साथ मैं पूरे सन सिटी को सजा दूंगी। गोल्डन एक्स चाहिए ना तुम्हें, तो ये लो। अब ये अंडा यहाँ नहीं बल्कि सन सिटी के बीचों बीच फूटेगा, ताकि सबको पता चले कि रिंग लेडी से टकराने का अंजाम क्या होता है। सुपर स्पीडो, तुम फॉर्मूला नंबर 888 लगा के सन सिटी को बचाओ। अगर सुपर स्पीडो सन सिटी को बचाएगा तो तुम्हें कौन बचाएगा? रिंग लेडी के रिंग घुमाए, जिंग जैंग जिंग। इस रिंग की स्पीड तो मुझसे कई ज्यादा है। हो गया काम तमाम। थैंक
क्यों सुपर स्पीडो? मेंशन नॉट ब्रो, मैंने इसे सनसिटी के अंदर फूटने से बचा लिया, लेकिन अब भी बाकी के दो अंडे रिंग लेडी के पास हैं। वही सोच रहा हूँ कि उससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि मैं किसी लेडी पर कभी हाथ नहीं उठा सकता। किको, तुम रिंग लेडी को डायरेक्टली नहीं मगर इनडायरेक्टली तो किक कर ही सकते हो। अरे हाँ, रिंग लेडी से निपटने के लिए अब एक ही तरीका बचा है, सुपर स्पीडो फॉर्मूला नंबर 789 लगाओ। अमेजिंग आइडिया किको, अप्लाई फॉर्मूला 789। अब लगता है मेरी ओ किक का टाइम आ ही गया है। वरना मैं ये दोनों एक्स फोड़ दूंगी। अरे वो दोनों एक्स कहाँ गए? यहाँ है। मैंने जब तुम्हें बीच हवा में कैच किया था तभी ये अंडे भी हवा में कैच कर लिए थे। अब ये तीनों अंडे मेरे पास हैं। कबूतर के अंडे से निकली कटी चिपकली की तुम से बंजी जंपिंग करने का वक्त आ गया। मतलब सर पहले में कह रहे हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट।